मुख्यमंत्री नहीं होगा, महामूर्ख मंत्री होगा। पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं बन सकेगा, हाँ मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक से बदल जाएगा। नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं, कुछ अच्छा है चचा पलटू चचा नामे है। 100% पलटे टाइम आ गया, हाँ टाइम आ गया। बेटा नालायक निकल गया है। कौन बेटा? वही चचा का बेटा, नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार। लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, चोर नहीं जाएंगे, चोर पार्टी में, चोर पार्टी। कौन है चोर? अरे बापो चोर, चारा चोर, अब बेटा तो क्रेडिट चोर निकले गया। नीतीश कुमार के पेट में दांत कहा जाता है, तो लालन सिंह बोले थे ना, तो उसको नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है, कभी पलटी मार सकते हैं। रोजगार तो लालू यादव ही दिए थे, हम कहते हैं खुलेआम कहते हैं रोजगार, रोजगार लालू यादव जितने जो दिया रोजगार, वो बीजेपी और जदयू कभी नहीं दे सकता। कौन सा रोजगार? सुनिएगा बताइए, गिनवाइए। चोरी करने का रोजगार, हत्या करने का रोजगार, डकैती करने का रोजगार, आतंक फैलाने का रोजगार, कैसे नहीं दिया भैया? विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का वक्त बचा है, और ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात जब करते हैं तो उसके बाद जो है सियासी गलियारों में हलचल सा हो जाता है। यानी ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं या नहीं। जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार जो है फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। जनता से बेहतर जानते हैं, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, उसके बाद जो है हलचल तेज हो गई है, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर साथ में हो सकते हैं क्या? ये बताइए पहले हमको आप कि मैंने मुलाकात हो गई तो क्या मैंने पलटी मार देंगे? अरे एक मुलाकात जरूरी है सनम। हाँ तो लोकसभा में भी मुलाकात हुआ था प्लेनवा में, तो पलटी मार दिए नीतीश कुमार। तो प्लेन में हुआ था, ऐसे जाए घर में आए तो घर में मिले तो क्या हो गया? अरे आप लोग ऐसा बात कर, खाली उड़ामा उड़ा वाला काम मत कीजिए आप लोग, समझ गए ना? तेजस्वी यादव तो पूरा खुश हो जाएगा कि हमारा सरकार आ जाएगा। अरे बिना धुआं का तो आग नहीं लगता। अरे धुआं के छोड़िए ना बात, पहले यहाँ बात कीजिए। पहले प्लेन में गए थे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, है तो सुनिए, एक जगह मिल गया बैठ गया, सीटवा एक जगह नहीं मिला आगे पीछे, हाँ तो जानबूझ के गया गया था। तेजस्वी यादव बहुत खुश प्लेन में कि चचा तो मेरे पास आ जाएंगे, हमारे पापा हमारे हमें पास आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तमाचा मारे ना कि तेजस्वी यादव जमीन पे गिर गया, प्लेन से नीचे जमीन पे गिर गया। हाँ 25 महीने वाले मुख्यमंत्री है, 25 का मुख्यमंत्री नहीं होगा, महामूर्ख मंत्री होगा। पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं बन सकेगा, हाँ मूर्ख मंत्री बन जाएगा। लोग कहते हैं युवा दिलों की धड़कन है तेजस्वी यादव, युवा दिलों की धड़कन है। अरे तेजस्वी यादव तो खुद युवा नहीं है, 20 साल बाद तो वृद्धा पेंशन की उम्र हो जाएगा उसका, वो कहाँ से युवा हो जाएगा? 34 साल उम्र है तो युवा ना। अरे तो 20 साल बाद हुआ ना जी वृद्धा पेंशन की उम्र, ऐसा नहीं बात करते। आधा उम्र तो आधा तो पैर कवर में चल गया, आप बतिया रहे ऐसा बात, खाली उड़ामा उड़ा मारे पैसा उसका कहाँ मिला है आपको? लालू तेजस्वी यादव पैसा उसका कहा दिया कि यहाँ के हमारे बारे में बोलो, मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं? कभी जिंदगी में नहीं आएंगे चाचा, कभी पलटने वाले नहीं है, भरोसा है चाचा? क्योंकि बता रहे हैं है, बेटा नालायक निकल गया है। कौन बेटा? वही चाचा का बेटा, नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार। चाचा का बेटा अभी चाचा भतीजा जो चल रहा है रिलेशन, वही चाचा बेटा, भतीजा को बेटा कहते हैं ना जी, तो चाचा बेटा जो बेटा हमको निशांत कुमार नहीं, निशांत कुमार, निशांत कुमार तो ऐसा परिवार वाद पे ऐसा तमाचा मारा विपक्ष हो लगा ना कि पूरा तेजस्वी यादव से लेकर राजा तक पूरा हिल गया। क्या बोला था समझ गया ना, कि हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको हरे नाम हरे किसान मतलब। अगर मान लीजिए गठबंधन कर लेते फिर से आ जाता नीतीश कुमार तो क्या करिए? अगर नीतीश कुमार के आना रहता ना तो लोकसभा में आ जाते, विधानसभा में इतना बढ़िया ऑफर ठुकरा के इंडिया गठबंधन के नहीं आते, समझ गया? समझ गए बात को? है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तो हमको क्या बोले, भरोसा है आपको, गारंटी दीजिएगा? परसेंटेज तो 100 होता है लेकिन हम 110% बोलते हैं, कभी चोर पार्टी में कभी नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, गारंटी आप दे रहे हैं? एकदम 100% नीतीश कुमार एकदम बोले हैं। क्या हम बोले कि गारंटी तो 100% होता है लेकिन हम 110% गारंटी लेते हैं कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे चोर पार्टी, चोर पार्टी में, चोर पार्टी। कौन है चोर? अरे बापो चोर, चारा चोर, अब बेटा तो क्रेडिट चोर निकल ही गया। चारा चोर? चारा चोर नहीं था, तो जेल गए ना, गए ना, तो अरे तब एक बार धाबुआ लग जाएगा तो चोर नहीं कहलाइएगा। अब सुनिए, अब बेटा भी क्रेडिट चोर, कैसे कैसे? नीतीश कुमार नौकरी देते हैं, बेटा बोलता है कि हम दिए नौकरी, वही तो है कहाँ से दिलवाए, तो प्रूफ दिखाई नहीं दिलवाए, कहते हम ही बोल के दिलवाए, चमड़वा के मुंह बोल दिए तो हो गया, हम बोल रहे 50 लाख नौकरी हम दिए तो मान लीजिएगा आप, मान लीजिए तो नहीं दिए एकदम, बिल्कुल नहीं दिया, क्या सिग्नेचर है? अरे वो सिग्नेचर कर पाएगा जी, शिक्षा जो नहीं लिया शिक्षा का नौकरी देगा? पहले हमको बताइए आप, सिग्नेचर नहीं करने आता हमको, आता है नवा फेल के सिग्नेचर करेगा क्या? आपने इसमें बात हम क्या बोल रहे, पैसा लेके आए हैं उल्ला पल्ला मत बोलिए, दलाली वाला काम मत कीजिए, मैं तो दलाली कर रहे हैं एकदम, बिल्कुल सच्चाई बोल रहा, दलाली सच्चाई वाला का बात है, आप तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव काहे कर ले, गठबंधन होने वाला सुन रहे नीतीश कुमार फिर पलटी मार रहे हैं, मैंने कहा शादी ब्याह कहा चल रहा है गठबंधन होगा बार बार, ये हमको बताइए ना, ऐसा ही बात कर, भरोसा है आपको नीतीश कुमार का नहीं जाए? हम क्या बोले कि 100% होता है लेकिन हमको 110% विश्वास है कि चोर पार्टी में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, चोर पार्टी में नीतीश कुमार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पेट में दांत कहा जाता है, उस पर कोई भरोसा नहीं है, पेट में दांत? हाँ कहाँ से हो गया? नीतीश कुमार के पेट में दांत कहा जाता है,
रहता है। तो लालन सिंह बोले थे ना, तो उसको नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है, कभी पलटी मार सकते हैं। मतलब भरोसा नहीं है? ना ही जी, राजद के साथ जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं। तो मिले हैं? हाँ मिले हैं। तो क्या लग रहा है? जाएंगे, सरकार बदलेगी। बदलेगी? हाँ एकदम चाह रहे हैं। हाँ 110% गारंटी देते हैं। आप चाह रहे हैं सरकार? हाँ बदल जाए, बनिया है जी। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आरजेडी में सरकार बनेगा ना जी। नीतीश की सरकार, नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार बनेगा तो कमवा तो ज्यादा नीतीश कुमार कर रहे हैं। अरे कमार नहीं, पलटी तो मार रहे हैं। सरकार बदले, बीजेपी की सरकार बदलेगा, बिहार बदल जाएगा, बीजेपी को हटाना है। अब फोक से बदल जाएगा। हाँ। नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार कोई चाचा है, चाचा पलटू चाचा नाम है। हाँ, सही है एकदम, 100% पलटेगा। टाइम आ गया, हाँ टाइम आ गया, टाइम आ गया। अब भोकने से चिल्लाने से क्या फायदा है? मतलब भतीजा पर भरोसा नहीं, भरोसा पर भतीजा भरोसा है क्या? बोलो भतीजा पर नीतीश कुमार को भरोसा है? भरोसा है तब तो मिल रहे हैं। मिल रहे हैं? मिल रहे नहीं मिल रहे हैं? पहला इलेक्शन से पहले खेला होगा? खेला होगा, एक दो महीने के अंदर होगा। होगा, होगा 100% होगा। मतलब चुनाव से पहले खेला? हाँ खेला होना जरूरी है एकदम। और बिहार को आगे बढ़ाना तो खेला करना जरूरी है। बिहार को आगे बढ़ाना है तो खेला करना जरूरी है। साथ मिलाना होगा? हाँ लाना होगा। भाजपा से जो मिला है वो तो फिर साइड हो जाएंगे, जहाँ थे वही चले जाएंगे। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, कुछ भी रहे फिर जहाँ थे वही चले जाएंगे। तो राष्ट्रवादी पार्टी है ना भाजपा? 10-10 साल 15-15 साल रहे, जितना रहना रहे, उसके बाद फिर 10-10 साल के बाद चेंज होने वाला है। ये बताइए ना, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है ना? और क्या है ना, उससे मतलब नहीं है। आरजेडी की सरकार बनेगी? आरजेडी सरकार बनेगी? हाँ आरजेडी सरकार बनेगी। चाचा के साथ मिलेगा? बनेगा तो 100% है, मिल रहा है। अच्छा अच्छा, डगे की चोट पर कह रहे हैं। दीजिए ना भैया, हम कहा बोले, चमड़ा के मुंह है कोई कह दे। तू लोग भी तो कर रहा, आपका चमड़ा का मुंह है उनका, हमारा चमड़ा का तो उनका चमड़ा का मुंह ना है, उनका लोहा का मुंह है क्या? ठीक, देखिए दलाली वाला काम करने लगते हैं ये सब काम मत क्या कीजिए आप, इनका भी तो चमड़ा का मुंह है ना। मतलब वो गलत बोल रहे, आप सही बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल। देखिए नहीं एकदम बिल्कुल ही, देखिए शायद देखिए ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोजगार है, रोजगार तो लालू यादव ही दिए थे। हम कहते हैं खुलेआम कहते हैं रोजगार, रोजगार लालू यादव जितने जो दिया रोजगार, वो बीजेपी और जदयू कभी नहीं दे सकता। कौन सा रोजगार सुनिएगा बताइए, गिनवाइए। चोरी करने का रोजगार, हत्या करने का रोजगार, डकैती करने का रोजगार, आतंक फैलाने का रोजगार कैसे नहीं दिया भैया? कौन रोजगार है? बीजेपी हो कभी का बात कर रहे हैं, देता था कि जाओ हत्या कर दो, चोरी कर दो, हमको हिंसा दे दो। एक काम तो करता था लालू सरकार, चाहे याद ही नहीं है क्या इनको? पूछे तो नहीं, पूछ लीजिए किसका सरकार में मर्डर नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है? अरे मानते हैं, बताइए हमको किसका सरकार में नहीं हो रहा है? आप लोग करवाते थे? अरे हम कहे करवाएंगे, कोई भी नेता नहीं करवाता है। जैसा उसका चमचा हो या हो, ये लोग करवाता, नेता अपना सही रहता अपना। चमचा है, चमचा लोग सुनिए ना, देखिए हम ही नहीं कह रहे हैं कि हत्या और रेप, हत्या और रेप हम ही नहीं बोल रहे हैं कि हर एक सरकार में नहीं हो। पहले मेरी बात सुनिए, हम ही नहीं कह रहे हैं कि हत्या और रेप कहीं नहीं होता था, लेकिन कुछ कार्रवाई आती, मतलब कुछ कांड होने के बाद कार्रवाई नहीं होता था आरजेडी सरकार एकदम बिल्कुल। अभी सरकार में देखिए मुजफ्फरपुर में कांड हुआ तो चला कि नहीं बुलडोजर? चला कि नहीं, लेकिन शिल्पी हत्या गौतम कांड के अभी भी याद है हम लोग के, कुछ नहीं हुआ था। हाँ तो जवाब भी देंगे, पूछिए तो। शिल्पी गौतम हत्याकांड का बोल रहे हैं? अरे शिल्पी हत्याकांड हुआ तो बीजेपी की सरकार में कितना मर्डर हुआ, बहुत सब केस पेंडिंग में है। देख लीजिए ना यूपी में जितना भी हो रहा बुलडोजर चला है, यही देखिए। सुनिए यही देखिए, अच्छा ये बताइए, सुनिए इनका जवाब, एक जवाब, एक भैया एक एक सवाल का हमको जवाब दीजिए। मुजफ्फरपुर में रेप कांड हुआ? इधर देखिए, मुजफ्फरपुर में हुआ ना, नाबालिग लड़की के साथ रेप कांड हुआ, जहानाबाद में ना, नहीं नहीं यहाँ ही नहीं, यहाँ ही बोलिए ना आप, इधर जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ कांड हुआ, करने वाला कौन जहानाबाद में? बबलू कुमार यादव। मुजफ्फरपुर में करने वाला शायद मनोज कुमार राय, क्या तो क्या तो नाम था, मतलब राय, समझ गए? सुनिए पहले यादव से जोड़, सुनिए मेरे पहले मेरा बात सुनिए, अमीन से जवाब लेना चाहते हैं। अरे नीतीश कुमार तो अपना बुलडोजर चला दिया, विपक्ष का काम क्या है बोलने का? यादव का अगर करना क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब कहना करें यादव होता है। सुन लीजिए मेरा बात, सुन लीजिए मेरा पहले बात, घटना होता है मुजफ्फरपुर में 9 तारीख को, तेजस्वी यादव का जाता है ट्यूट 15 तारीख, सुनते रहिएगा, तेजस्वी यादव का ट्यूट जाता है 15 तारीख को, ठीक है? तो भैया 9 तारीख को घटना हुआ, इतना बड़ा घटना हुआ मुजफ्फरपुर में, आपको पता नहीं था? लेकिन मुकेश सहनी का बाप का हत्या होता है तो 2 घंटा में आपको कैसे पता चल जाता है, ये हमको जवाब दीजिए आप पहले, पहला बात। और दूसरा बात का हम बात बताते हैं, ठीक है पक्ष वाला कुछ नहीं बोला, सरकार पे तो बहुत उंगली था, मुकेश सहनी का बाप का हत्या हुआ तो सरकार पे बोल रहे कि बुलडोजर चला बुलडोजर चला, लेकिन जहाँ तक हत्यारा पता चलता है कि एमओआई समीकरण का आदमी है तो आपका चुप्पी क्यों हो जाता है?
मुजफ्फरपुर के घटना का पता चलता है कि वही समीकरण का आदमी है तो आपका चुप्पी क्यों हो जाता है? आप जातिवाद करते हैं कि नहीं, पहले बताइए, जवाब दीजिए। एकदम बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, हम बिल्कुल कहते हैं। क्या रेपिस्ट? आप रेपिस्ट को रेपिस्ट समझिए ना। आप क्यों इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे? आप इस चलते नहीं बोल रहे कि मेरे कष्ट का है, इसी वजह से आप नहीं बोल रहे हैं। सवाल 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 भटक गए। सवाल सुनिए, सवाल यही है कि क्या लग रहा है नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई तो क्या लग रहा है? फिर से दोनों साथ आ सकते हैं क्या? कुछ नहीं हो रहा होगा, चाय पानी पिया होगा, और क्या इसमें क्या दिक्कत है? चाय पानी पीने तेजस्वी यादव का था तो सब क्या कीजिएगा? हो सकता कुछ अंदर अंदर बात चल रहा है, फिर चाचा पलटी मार देंगे। तेजस्वी थोड़ा सा अपना तेजपन दिखा रहा है, लेकिन नीतीश बोला धर चाय पियो जाओ यहाँ से। क्या दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं पलटेंगे तो नहीं पलटेंगे। चाचा पलटेंगे नहीं पलटेंगे? नहीं पलटेंगे, नहीं पलटेंगे, नहीं पलटेंगे। भरोसा है? भरोसा है, 90% भरोसा है। 100% भरोसा है? पलट गए तब का होगा? नहीं पलटेगा सर। फिर कहीं मुंह नहीं दिखाइएगा? नहीं सर, नहीं पलटेगा सर। चाचा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है कि पलटेंगे? बिल्कुल सर। भरोसा है कि पलट जाएंगे? पलट जाए, नहीं पलटेगा। अभी बोले नहीं पलटेगा, कभी नहीं पलटेगा सर, नहीं पलटेंगे। क्या लग रहा है नीतीश जी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? नीतीश नहीं पलटेंगे, नहीं पलटेंगे, नहीं पलटेंगे। पक्का? पक्का। तुम मुलाकात किए थे यादव से? क्या मुलाकात करने से क्या होगा? नहीं पलटेंगे, कभी नहीं पलटेंगे। चलिए, तो तमाम लोग थे, तमाम लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं, वो पलटू चाचन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों का अवलोकन सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।